इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं गंदीकोटा और देखेंगे द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। उसके साथ ही टूर करेंगे गंदीकोटा फोर्ट का। उसमें हम देखने वाले हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जामा मस्जिद, कथुला कोनेरू और माधव स्वामी टेम्पल, और वैसे ही जानेंगे गंदीकोटा फोर्ट की हिस्ट्री। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर केपी। हियर आई एम बैक विद अनदर फ्रेश वीडियो अबाउट द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया एंड गंदीकोटा फोर्ट। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गंदीकोटा फोर्ट और जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री और वैसे ही देखेंगे द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर और जानते हैं गंदीकोटा फोर्ट के लोकेशन के बारे में। गंदीकोटा फोर्ट भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में स्थित गंदीकोटा गांव में सिचुएटेड है। यह है किले का मुख्य दरवाजा। आप इसे देखकर इसके मजबूती का अंदाजा लगा सकते हो। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं गंदीकोटा तक आप कैसे पहुंच सकते हो। गंदीकोटा से नियरेस्ट एयरपोर्ट है कडप्पा एयरपोर्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर फ्रॉम गंदीकोटा। यहाँ तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जमाल मागुडू रेलवे स्टेशन, विच इज 18 किलोमीटर फ्रॉम गंदीकोटा, और दूसरा रेलवे स्टेशन है कडप्पा रेलवे स्टेशन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 77 किलोमीटर फ्रॉम गंदीकोटा। गंदीकोटा गांव बैंगलोर से अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर की दूरी पर है और हैदराबाद से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फोर्ट पे जगह जगह पे ऐसे आपको साइन बोर्ड दिखाई देंगे, तो इसकी मदद से आप किले के सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे पहुँचने के बाद नज़ारा काफी अद्भुत था। अगर आप यहाँ पे सनराइज के टाइम या फिर सनसेट के टाइम आते हो तो आपको ये जगह काफी पीसफुल लगेगी। ये है द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। आप सामने जो देख पा रहे हैं वो है पेन्ना रिवर। इसका निर्माण पेन्ना नदी के बहाव के कारण हुआ है। हजारों करोड़ों साल से पेन्ना रिवर इसी घाटी से होते हुए आगे जाती है। उसके बहाव के वजह से ये रिवर घाटी के पत्थरों को काटते हुए नीचे तक गई और उसी की वजह से ये स्ट्रक्चर निर्माण हुआ है जो देखने में काफी सुंदर लगता है। वैली के व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली जाना पड़ता है। यहाँ पे कई सारे पत्थर बिखरे हुए हैं और वहाँ तक जाने के लिए कोई भी फिक्स रूट नहीं है, तो इन्हीं पत्थरों पे पैर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इन पत्थरों को क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपके साथ बच्चे या फिर बूढ़े हो तो आपको उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कुछ कुछ जगह पे आपको बहुत ही ईजी पाथ भी मिल जाएगा, तो उस रास्ते से आप वैली व्यू पॉइंट तक पहुँच सकते हो। That's me, your host, Traveler KP. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब टू Traveler KP। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस में मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको किसी भी जगह की ट्रिप प्लान करने के लिए मेरे वीडियोस की जरूर हेल्प होगी। ये है गंदीकोटा फोर्ट की सुरक्षा दीवार। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सप्लोर करने के लिए गंदीकोटा फोर्ट के बाकी टूरिस्ट प्लेसेस। इस किले पे आपको प्राचीन कई सारे मंदिरों के अवशेष देखने मिलते हैं, जिसमें जलसंधि, रामलिंगेश्वर मंदिर, माधव स्वामी मंदिर, गर्ग महल इत्यादि शामिल है। अब हम जा रहे हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर देखने के लिए। ये मंदिर काफी पुराना है। इसके पिलास पे आपको सुंदर नक्शी काम देखने मिलता है। अगर आपने हम्पी विजिट किया हो तो हम्पी के शिल्पकला से मिलती जुलती इस मंदिर की संरचना देखने मिलती है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने हम्पी के मंदिरों में भी देखे थे, तो मुझे इसमें काफी सिमिलरिटी लगी। चलिए जानते हैं गंदीकोटा फोर्ट की हिस्ट्री। इस किले पे अलग अलग राजवंशों ने राज्य किया है, जैसे कि कल्याणी चालुक्य, पेम्मासानी नायक, गोलकोंडा सल्तनत इत्यादि। गंदीकोटा फोर्ट 300 से भी अधिक वर्ष पेम्मासानी नायकों की राजधानी हुआ करता था। रंगनाथ स्वामी मंदिर से आगे बढ़ने के बाद आपको ये बड़ी सी मस्जिद देखने मिलती है, जिसका नाम है जामा मस्जिद। चलिए चलते हैं अंदर। जामा मस्जिद इस्लामी वास्तुकला के विशिष्ट तत्वों को प्रदर्शित करती है।
मस्जिद के चारों ओर आपको तकरीबन 64 कमरे दिखाई देते हैं और मस्जिद के मीनारों पर बहुत ही सुंदर नक्शी काम किया गया है। और वैसे ही मस्जिद के अंदर की संरचना भी काफी खूबसूरत है। जामा मस्जिद के सामने ही आपको बड़ा सा पानी का कुंड देखने मिलता है, जिसका नाम है कथुला कोनेरू, यानी कि द पॉन्ड ऑफ स्वॉर्ड्स। कहते हैं युद्ध के बाद यहाँ पे सैनिक अपनी तलवारें धोया करते थे। अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए माधव स्वामी मंदिर, तो चलिए चलते हैं। यह है मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार, जिसके ऊपर आपको सुंदर नक्शी काम भी देखने मिलता है, जिसकी सुंदरता दिन ब दिन ढलती जा रही है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग गए थे तब यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट भी चल रहा था। वैसे गंदीकोटा फोर्ट पे कई सारे लोकेशंस पे प्री वेडिंग शूट्स भी किए जाते हैं। इस मंदिर के दीवारों पे और पिलर्स पे आपको सुंदर नक्शी काम भी देखने मिलता है। यह है गंदीकोटा फोर्ट की बाहरी तटबंदी। अगर आपको यहाँ पे पेन्ना नदी में बोटिंग करना हो तो किले के मेन गेट से आप बोटिंग के लिए जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे बोटिंग का एक्सपीरियंस जरूर ले। हम लोग जब गए थे तब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, तो हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए। बोटिंग करने के लिए आपको आधा से एक किलोमीटर नीचे उतरते हुए जाना पड़ता है, तो वहां तक पहुँचने के लिए आपको ऐसे एरो मार्क्स मिल जाएंगे। उतरने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है, एक छोटा सा ट्रेक है। वैसे ही गंदीकोटा फोर्ट के आसपास कई सारे कैंप साइट भी है, तो लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए आना पसंद करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट गंदीकोटा फोर्ट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू ट्रैवलर केपी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।